वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर दिग्विजय सिंह। जंग बेशक सरजमीन हिंदुस्तान से हजारों किलोमीटर दूर हो रही हो, मगर उसकी तपिश को हम इंडिया वाले भी शिद्दत से महसूस कर रहे हैं। जंग के आठवें दिन रूस ने यूक्रेन की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले खेरसन पर कब्जा कर लिया है और कहर बरपा रहा है राजधानी कीव और ओडिशा पर, जो कि एक पोर्ट सिटी। इस बीच रूस की सेना ने यह दावा किया है कि यूक्रेनियन आर्मी इंडियन स्टूडेंट्स को बतौर ह्यूमन शील्ड इस्तेमाल कर रही है। उधर यूएनजीए में रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव 5-141 वोटों से पास हो गया है। यह बात और है कि हिंदुस्तान समेत 35 मुल्कों ने खुद को इस वोटिंग से अलग रखा। आखिरकार रूस की फौजी ताकत के मुकाबले यूक्रेनी सेना का हौसला हार ही गया। जिस खेरसन को बचाने के लिए 7 दिनों तक यूक्रेन की आर्मी रशियन मिलिट्री से लोहा लेती रही, उस पर रूसी झंडा लहराने लगा है। इस बात की पुष्टि खुद यूक्रेन ने की है कि खेरसन अब उसके कब्जे में नहीं रहा। सिर्फ इतना ही नहीं, जंग का आठवां दिन राजधानी कीव और पोर्ट सिटी ओडिशा पर भी कयामत लेकर आया है, जहां पुतिन की सेना मिसाइलों, बमों और टैंकों के जरिए लगातार आग बरसा रही है। बुधवार शाम यूक्रेन के भारतीय दूतावास ने खेरसन में फंसे भारतीयों से कहा था कि वो हर हाल में खेरसन छोड़ दें। गाड़ी न मिले तो पैदल ही निकल जाएं, मगर किसी भी सूरत में खेरसन में न रुकें। दरअसल रूसी सेना ने इसके लिए 6.5 घंटे का विंडो भी दिया था, जो कि भारतीय समयानुसार 2 मार्च की रात 10:30 बजे खत्म होना था। कहा जाता है कि उसके बाद रूसी सेना ने चढ़ाई की और खेरसन पर कब्जा कर लिया। इस बीच रूसी सेना की तरफ से दावा किया गया है कि यूक्रेन के सैनिक खुद को बचाने और रूसी सेना को रोकने के लिए भारतीय छात्रों का इस्तेमाल बतौर ह्यूमन शील्ड कर रहे हैं। उधर रूस के वीटो के चलते इस हमले की निंदा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में न कर पाने से बौखलाए नेटो देशों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में निंदा प्रस्ताव पारित कराने में कामयाबी हासिल कर ही ली है। यूएनजीए में निंदा प्रस्ताव का 141 मुल्कों ने समर्थन किया, जबकि 5 ने विरोध। भारत समेत 35 देशों ने खुद को मतदान से अलग रखा। इस बीच अमेरिका और ब्रिटेन की कोशिश है कि किसी भी तरह यूएनएससी में रूस का वीटो पावर छीन लिया जाए। दरअसल 1991 में बिना किसी प्रस्ताव के ही सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ की जगह रूस को दे दी गई थी, जबकि मूल दस्तावेजों में अब भी सोवियत संघ का नाम ही दर्ज है। इसी को आधार बनाकर नेटो देश अब रूस का वीटो पावर खत्म करना चाहते हैं। इस बीच रूस ने साफ किया है कि युद्ध की वजह से भारत को एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की आपूर्ति में कोई रुकावट नहीं आने दी जाएगी, मगर ये तो तय है कि इस लड़ाई के चलते भारत में पेट्रोलियम और बियर समेत
कई चीजों के दाम तेजी से बढ़ेंगे जिनकी आपूर्ति रूस से होती है और अब प्रतिबंधों के चलते इस आपूर्ति पर असर पड़ने वाला है। इस युद्ध और उसके हिंदुस्तान पर असर को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और रूस यूक्रेन जंग के हर अपडेट के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।